हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए प्रश्नावली 7.1 का ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में 4 तक हो गया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है? आपको इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन करके हम दिखाएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? देखिए, आपको बताना ये 4 जो बिंदु है चतुर्भुज का है, कौन से चतुर्भुज बनाते हैं, आयत है कि वर्ग है कि समान चतुर्भुज है, आपको ये दिखाना है, ठीक है? चलिए मैं एक करके इसमें दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 2 करके दिखाता हूँ, ठीक है? आपको 1 और 3 आपको खुद करना है, ठीक है ना? चलिए करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये 4 बिंदु को मान लिए हैं। एक बिंदु ए माने है, एक बिंदु बी माने है, इसको सी माने, इसको डी माने है। ये ए बी सी डी माने हैं। आपके 4 बिंदु को चतुर्भुज कौन बन, कैसे चतुर्भुज बन रहा है आपको ये बताना है, ठीक है? चलिए फिर चारों क्या करते हैं, ए बी बी सी सी डी, और इसका निकाल लेते हैं, विकर्ण भी निकाल लेंगे, ए सी और डी सी विकर्ण भी निकाल लेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका विकर्ण एक है ए सी, एक है बी डी बोलिए या डी बी बोलिए, ठीक है? चलिए वही करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। इससे पहले आपको बताए थे हम, आपको पहले ए बी निकालना है, ठीक है? तो ए बी बराबर आपको लिखना है, दूरी सूत्र पहले बताए थे, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए बी ले रहे हैं तो एक्स वन ये होता है, एक्स टू 3 है, वाई वन 5 है, एक्स वाई टू 1 है, वही आपको इसमें लिखना है। एक्स वन माइनस एक्स टू भी का होल स्क्वायर लिख सकते थे आप, ठीक है? वही लिखते हैं तो 3 माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस वाई टू है 1 माइनस इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर, ये माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। जब इसको हम जोड़ेंगे, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाता है, 52। इसको आप लिख सकते हैं 52 को 13 का 52 √3 मात्रक लिख सकते हैं। ए बी निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, ए बी के बाद बी सी आपको निकालना है, वहीं पे बी सी लिखेंगे, ठीक है? सूत्र लिख दिए हैं बी सी के लिए, 3 - 0 या 0 - 3 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है? इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 - 0 या 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √13 मात्रक, ठीक है? आपको सब में यही करना है, चारों भुजा पहले आपको निकालना, भी कर निकालना है, ए बी बी सी हम निकाल लिए, यहाँ निकाल लेते हैं, जगह है तो निकाल लेते हैं, चलिए, ठीक है? देख लीजिए, ए बी बी सी हो गया, अब सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए भी सूत्र होगा, सी डी है तो 0 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी डी निकालना है सी और डी, इसको भी देखिए क्या करते हैं, 0 - 1 माइनस में प्लस 1 हो गया ना, फिर 3 - 4 तो माइनस में प्लस 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा सी डी में 3 + 4 कैसे 4 हो गया प्लस में, देखिए 3 - 4 लिखना है तो माइनस में प्लस 4 तो प्लस में 4 हो गया। देखिए 0 1 का स्क्वायर प्लस 3 4 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 7 का स्क्वायर 49, ये √50 हो गया, ठीक है? √50 को क्या लिखते हैं, 5 √2 मात्रक। सी डी भी निकालिए, आपको ए डी निकालना है, ए डी ये है,
देख लीजिए, ये माइनस थ्री माइनस माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं इसको, ठीक है एडी के लिए। तो माइनस वन प्लस थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस फोर और माइनस फाइव का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फाइव माइनस नाइन, माइनस नाइन का स्क्वायर, ठीक है। टू का स्क्वायर फोर और नाइन का स्क्वायर इक्यासी, इक्यासी चार पचासी, ठीक है पचासी हो गया। सिर्फ आप किसको पचासी मात्रक लिख सकते हैं, रूट पचासी मात्रक, ठीक है। अब आपको क्या करना, विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना ही पड़ेगा। विकर्ण क्या है देख लीजिए, एक विकर्ण ए सी है एक और ये है, एक है बी डी है। तो फिर हम ए सी निकाल लेते हैं। देखिए ए सी के लिए माइनस थ्री माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, माइनस थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हो गया माइनस थ्री का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, नौ और दो दूनी चार, तो रूट तेरह मात्रक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए सी हो गया, अब आपको निकालना है बी डी, अब निकाल लेना है, रूट तेरह मात्रक हो गया, बी डी निकाल लेना है, ठीक है। देखिए बी डी में क्या है, थ्री माइनस माइनस वन तो माइनस प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस फोर का स्क्वायर, वन और माइनस माइनस प्लस फोर हो गया, देख लीजिए ये हो गया तीन एक चार का स्क्वायर, ये हो गया पाँच का स्क्वायर, चार का स्क्वायर होता है सोलह, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, सोलह पच्चीस जोड़ेंगे तो छः पाँच ग्यारह दो एक तीन इकतालीस, रूट इकतालीस मात्रा। देखिए इसमें क्या हुआ, ए बी दो रूट तेरह आया, बी सी रूट तेरह आया और सी डी पाँच रूट दो आया, ए डी इतना आया, भुजा कोई एक रंग आया ही नहीं, ठीक है। यदि चारों भुजा एक रंग आता, अब यदि दोनों विकर्ण एक रंग आ जाता तो ये वर्ग होता, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ लिख देते हैं अतः यह चतुर्भुज नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेवन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो टू माइनस फाइव और माइनस टू माइनस नाइन से सम दूरस्थ है। एक्स अक्ष पर कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी सवाल में वाई अक्ष पर कहा जाता है, एक्स अक्ष पर बोला है तो एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान जीरो होता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बनाकर आपको दिखाते हैं। सवाल में कहा गया था एक्स अक्ष पर ना, इसलिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आपको माने तो माना माना, ठीक है, वह बिंदु, बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, पहले एक्स कॉमा जीरो, एक्स अक्ष पर एक्स का मान एक्स होता है, वाई का मान जीरो होता है, ठीक है, समझ गए। माइनस दो कमा माइनस पाँच और माइनस दो कमा नौ से समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है ये बिंदु, तो क्या करना है, जो बिंदु समदूरस्थ है एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, ये बिंदु कौन है, दो कमा माइनस पाँच, एक बिंदु यहाँ पर है, यह है माइनस दो कमा नौ से यह बिंदु समदूरस्थ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स कोमा जीरो, इसका कोई नाम दे देते हैं, ये एक मान ली पी और क्यू एक रेखा है, इसका नाम देते हैं हम ए, कोई दिक्कत ए, इसे ए बिंदु का नाम ए दे दिए, आपको इसमें से एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो समदूरस्थ है सवाल बोला गया है, तो समदूरस्थ आप पहले ही बताए थे क्या होता है समदूरस्थ, समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए क्या होता है, ए पी के बराबर क्या होना चाहिए, ए क्यू होना चाहिए, मतलब ए पी के बराबर क्या होना चाहिए, ए क्यू होना चाहिए, यही ना, तब समदूरस्थ है, ये इसका शर्त है। तो भाई हम करते हैं इस तरह ए पी निकाल लेते हैं, ए पी ए और पी इधर ए क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए पी के सूत्र आपको मालूम होगा, अभी जस्ट बार बार बता रहे हैं आपको सूत्र, ठीक है। देखिए ए पी है, ए पी
इसका ये एक्स वन है, इसका ये एक्स टू हो गया। तो हम लिखते हैं एक्स माइनस टू मैंने एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फाइव, जीरो माइनस माइनस में फाइव है प्लस में फाइव के स्क्वायर, इसके बराबर ये ए क्यू है, ए क्यू ए क्यू है। इसमें यही करते हैं हम एक्स माइनस, इसमें ये लिख देते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस माइनस में प्लस टू, प्लस टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हम देते हैं, जीरो माइनस फाइव, फाइव का स्क्वायर हो गया, फाइव का स्क्वायर हो गया बराबर ये हो गया एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये माइनस नाइन का स्क्वायर, ये फाइव का स्क्वायर पच्चीस। इसको क्या करेंगे हम, एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस नौ का स्क्वायर इक्यासी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस पच्चीस, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस इक्यासी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए, ए क्या है x, b क्या है दो प्लस पच्चीस, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू गुने ए है x, b है दो प्लस इक्यासी। कोई दिक्कत? देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, ये माइनस दो दूनी चार एक्स, कोई दिक्कत, प्लस पच्चीस, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस चार और दो दूनी चार एक्स प्लस इक्यासी, ठीक है, इतना समझ गए। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर है, दोनों प्लस में काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चार इधर भी है प्लस में इधर भी है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस चार एक्स एक प्लस में चार एक्स इधर आते हैं, ये भी माइनस में चार एक्स हो जाएगा बराबर, इक्यासी उधर प्लस है पच्चीस को उधर ले जाए माइनस में पच्चीस, कोई दिक्कत, यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये माइनस चार एक्स और माइनस चार एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस आठ एक्स, कोई दिक्कत, इक्यासी से जब पच्चीस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, छप्पन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये छप्पन, इधर एक्स निकाल लेते हैं तो एक्स बराबर छप्पन के बट्टे में आठ, आठ माइनस में तो माइनस ऊपर चल जाएगा, आठ सत्ते छप्पन, एक्स के मान माइनस में सात निकला, ठीक है। आपको बिंदु निकालने बोला गया था तो लिख दें बिंदु, वह बिंदु अच्छा रहेगा, वह बिंदु क्या माने थे, एक्स को मान जीरो माने थे ना, तो एक्स का मान माइनस सात, ये वाई का मान जीरो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बात आप नोट कर लीजिए, पहले बताए थे एक्स अक्ष के लिए वाई बराबर जीरो होता है, वाई अक्ष के लिए एक्स बराबर जीरो होता है, ये आपको याद रखना है, इस सवाल में बोला गया था ना एक्स अक्ष पर, इसलिए एक्स का मान एक्स हुआ, वाई का मान जीरो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ये दोनों बिंदु है ना P और Q, बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, अब आपको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको दूरी सूत्र का प्रयोग कर निकाल सकते हैं, P और Q के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, ठीक है, एक बिंदु P है एक Q है, ठीक है ना। चलिए एक बिंदु P था, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे Q है, ठीक है। P का मान था 2, -3 और क्यू है 10, y, पी से क्यू की दूरी मान यहाँ तक की दूरी, ठीक है, कितना दिया है 10, मान यहाँ से यहाँ
ये 10 दिया हुआ है, 10 मान लीजिए मात्रक, ठीक है। आपको क्या बोला गया है निकालने के लिए, y के मान। तो आप समझ लीजिए कि पी क्यू आपको 10 दे रखा है, 10 मात्रक, मात्रक आपको लिखना है या 10 इकाई, कोई दिक्कत। आपको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो वही लिखते हैं, पी क्यू बराबर सूत्र, एक नहीं एक बार नहीं हर बार बताए हैं आपको, पी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन या एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। वही लिखते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू, तो 2 - 10 प्लस माइनस 3 - y² लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया 2 - 10, तो 2 - 10 क्या होगा, माइनस में ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस 3 और माइनस y, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे 3 प्लस प्लस में हो जाएगा और y भी प्लस में, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। देखिए माइनस 3 है ना, इसको यदि इसको भी इस तरह से लिखते हैं y माइनस 3, तो y प्लस 3 होता है ना, y प्लस 3 हो गया ना, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यदि इसको इस तरह से लिखते तो ये 64 हो गया, ठीक है, ये 64 हो गया, ये होगा 3 प्लस y का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। चलिए अब क्या करते हैं, हम पी क्यू का मान 10 दे रखा है, 10 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं 64 प्लस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 × y, ठीक है। 64 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 3 × 6y, ये 10 के बराबर है ना, 10 बराबर। देखिए 64 और 9 को जब जोड़ेंगे 73 हो जाएगा, ये 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, देख लीजिए वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस इधर से रूट हट जाएगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब हम क्या करते हैं, 73 किधर लाते हैं, तो 100 - 73 हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। जब इसको इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 27, 27 के बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण बना देते हैं। देखिए वाई स्क्वायर अब प्लस 6y, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 27 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस में ये 27 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। एक ये समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपको हल करना है, ठीक है, हल करना है। 27 है, 27 को खंड करके प्लस में आपको 6 लाना है, ठीक है, खंड आपको मालूम होना चाहिए, गुणनखंड आना भी चाहिए, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, 27 को खंड करेंगे तो क्या करें, 9 + 27, 9 से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 और 3 लेना है आपको, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 = 0। वाई का जब मान वाई हो गया, वाई प्लस इधर हो जाएगा 9, इधर -3 कॉमन लेंगे तो वाई और माइनस प्लस 3 - 27 = 0, ठीक है। तो वाई प्लस 9 × y - 3 = 0, ठीक है। अब इधर क्या करते हैं, वाई प्लस 9 = 0, तो y बराबर माइनस है ना, इधर क्या करते हैं, y माइनस 3 = 0, तो y बराबर प्लस में 3। y का 2 मान आया है, आपको y का मान निकालना था, इसलिए लिखेंगे y बराबर माइनस 9 और 3, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, y का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि q 0.1 बिंदु पी 5 - 3 आर x.6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ गया। ये जो बिंदु Q है ना, ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, जो बिंदु समदूरस्थ रहता है वही बिंदु बीच में होता है, तो PR के बीच में Q होगा, ठीक है, कि बिंदु, क्योंकि लिखा है बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ठीक है, तो आपको P और R के बीच में Q होगा। आप इससे आपको x का मान निकालना है, उसके बाद Q और PR का भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बिंदु Q है, क्या है, ये बिंदु Q है, बिंदु Q क्या है, PR से समदूरस्थ, इसलिए बिंदु Q बीच में रखें, ठीक है, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, ये समदुरस्त है, ध्यान लिख देते हैं समदुरस्त होने पर। समदुरस्त होता था क्या होता है, पी क्यू के बराबर क्यू आर, या क्यू पी लिख, जब बोलिए आप पी क्यू के बराबर क्या होगा क्यू आर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पी क्यू निकालना है इधर, पी क्यू के लिए आपको दूरी सूत्र लगाना है, तो पी और क्यू, इसका एक्स वन फाइव है, एक्स टू जीरो है, वाई वन माइनस तीन है, वाई टू फाइव है, ठीक है। फाइव माइनस जीरो माइनस, या जीरो माइनस फाइव भी लिख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइव माइनस जीरो प्लस माइनस तीन और माइनस वन का स्क्वायर बराबर आप क्यू आर के लिए, क्यू आर ये है, इसका एक्स वन जीरो है, एक्स टू एक्स है, ठीक है। हम इसको लिखते हैं एक्स टू माइनस वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाँच माइनस जीरो पाँच का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर, ये एक्स से जीरो जाएगा तो एक्स से होगा, इसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सिक्स माइनस वन फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पाँच का स्क्वायर पच्चीस प्लस चार का स्क्वायर सोलह, एक्स स्क्वायर पाँच का स्क्वायर पच्चीस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये जुटेगा तो इकतालीस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस, और दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इकतालीस हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस हो जाएगा। देखिए पच्चीस को इधर लाते हैं, इकतालीस पहले से है, पच्चीस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इकतालीस से पच्चीस जाएगा तो सोलह हो जाएगा, सोलह बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्स बराबर लिखते हैं, एक्स बराबर लिखेंगे तो इसमें क्या लेगा, प्लस माइनस रूट में सोलह, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस चार हो जाएगा ना, तो एक्स का मान कितना आया, प्लस माइनस चार, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे प्लस माइनस चार है एक बिंदु, एक्स का मान और वाई का मान इतना है, ठीक है। ये समझ गया, आपको सवाल बोला गया है कि क्यू आर और पी आर निकालने को बोला गया है, तो क्यू आर पहले निकाल लेते हैं, क्यू और आर, तो आप यहाँ पे देख लीजिए दो मान है एक्स के लिए, दोनों मान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम एक मान आपको रख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्यू आर बराबर, ठीक है, हम एक साथ ही ले लेते हैं, क्यू आर यही है, ठीक है। अब चार प्लस मिले या माइनस मिले, इधर जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चार माइनस जीरो या जीरो माइनस चार एक ही होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं चार माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो चार माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर, सिक्स माइनस वन फाइव का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सोलह, ये हो जाएगा पच्चीस, और सोलह पच्चीस रूट इकतालीस मात्रक, ठीक निकल गया। आपको सवाल में ये भी बोला गया पी आर निकालने के लिए, तो पी आर, ठीक है। तो अब आर का मान, या आपको दो एक्स का मान है, एक्स एक प्लस में चार है, एक माइनस में चार है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छा रहेगा, आर का मान दो हो गया, देखिए आर बराबर ये होगा चार एक माइनस चार, एक प्लस में लिया फिर सिक्स लिया, वह एक माइनस में चार है, एक प्लस में सिक्स है, ठीक है। आप दोनों सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक मान निकाल देता हूँ, पी आर, देखिए पी आर हम ये लेकर निकालते हैं आपको, ठीक है। पी आर देख लीजिए, पी आर पाँच माइनस चार या चार माइनस पाँच, जो लिखते हैं आप लिख सकते हैं, दोनों सूत्र आपको मालूम है, ठीक है। सिक्स प्लस थ्री हो जाएगा, मान देख लीजिए सिक्स और माइनस तीन, तो माइनस में घटेगा तो माइनस प्लस तीन होगा, इसलिए ठीक है। देखिए ये हो जाएगा माइनस में वन का स्क्वायर, ये नौ का स्क्वायर, वह माइनस वन का स्क्वायर वन होगा और नौ का स्क्वायर इक्यासी होगा, ठीक है। इक्यासी या एक
एक सेकेंड यहाँ अच्छा मिस्टेक हो गया, नहीं नहीं प्लस में लेना, ठीक है ये 82 मात्रक हो गया। ठीक है अब आपको क्या करना है, एक ये बिंदु लेके आपको निकालना है, ठीक है वो भी मैं निकल कर आपको दिखाई देता हूँ। चलिए पी आर बराबर चलते हैं, यहाँ पे आप 4 का मान माइनस में लेना है, ठीक है देख लीजिए यहाँ पे बिंदु जो है माइनस में आपको लेना है, सॉरी ठीक है माइनस में लेना है, ठीक है ना देख लीजिए आप क्या करते हैं पी आर बराबर लिख रहे हैं, इसमें भी यही होगा माइनस में 4 माइनस से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, तो 6 में से माइनस घटाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, तो माइनस में 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81, ये भी हो जाएगा 81, इसको जब जोड़ेंगे तो रूट में 162, इसको भी लिख सकते हैं 9√2 मात्रक, ठीक है पी आर का मान 2 हो गया, ठीक है एक ये आया एक यहाँ आपको निकाल कर दिखाए थे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10 पर चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3.6 और -3.4 से समदूरस्थ है। ठीक है ये बिंदु जो है ना ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, अभी भी सवाल नंबर 9 में आपको बताएं कि बिंदु क्यू पी आर से समदूरस्थ था, ये बिंदु ये दोनों समदूरस्थ है, ये दोनों के बीच में ये बिंदु होना होगा, ठीक है समझ गया ये समदूरस्थ है। एक्स में आपको संबंध ज्ञात करना है, संबंध एक समीकरण आपको बनेगा, ठीक है इसको हल नहीं करना है, समीकरण बना कर आपको छोड़ना है। चलिए बना कर दिखाते हैं आपको, देखिए हम क्या किए, ये बिंदु को ए और बी मान लीजिए, मान लिए हम ठीक है इसको हम पी मान लिए, ये दोनों बिंदु है एक्स वाई क्या है दोनों में से दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब इसको ए माने इसको बी माने, ए बिंदु 3.6 माने हैं और बी बिंदु -3.4 माने हैं, और ये इसको हम पी माने हैं, पी बिंदु क्या है दोनों से समदूरस्थ इसको इसलिए हम पी बिंदु को बीच में लिखे हैं। ठीक है चलिए इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं, समदूरस्थ है यहाँ आपको लिखना है, समदूरस्थ के लिए या होने पर, ठीक है तो समदूरस्थ है तो ए पी के बराबर पी भी लिख सकते हैं या पी है जे भी जो आप लिखें ए पी बराबर पी भी, आपको यही करना है कि दो सूत्र से आपको ए पी निकालना है। ठीक है ए पी ए पी ए है, आप एक्स वन एक्स टू आप जानते हैं तो लिखते हैं एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, पी बी के लिए आपको ये लिखना है ठीक है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है क्या करते हैं यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पर लेते दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर सॉरी ये नहीं होगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, रूट नहीं है। ठीक है चलिए आप क्या करना है इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुने a गुने बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने वाई गुने 6 के बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको भी लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने ए, एक मान वाई है बी के मान 4, लिख दिया हम देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसको हल करने पहले क्या करते हैं, इधर ही एक्स स्क्वायर प्लस में है इधर ही प्लस है, प्लस प्लस में या माइनस माइनस में ज़्यादा कटता है, एक प्लस एक माइनस में ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है इधर भी ये है इधर भी ये है कट गया, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में है एक प्लस में ये भी कट गया। ठीक है चलिए अब इसको हल करते हैं, 3 × 6 तो माइनस 6 के स्क्वायर, इसको पहले इसको ले लेते हैं 6 × 12 माइनस 12 वाई और 6 के स्क्वायर
36, इधर भी यही करते हैं। ठीक है, 3 × 6 इधर भी 6x, 4 के स्क्वायर 16, 4 × 8 -8y। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, इधर 6x है, इधर भी 6x है, ठीक है। हम दोनों सबको एक तरफ पहले कर लेते हैं। 6x को जब इधर लाएंगे, ठीक है, माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 12y, इधर भी इसको लाएंगे तो माइनस में 8y, प्लस में 8y हो जाएगा, प्लस में 36 है, 16 को इधर लाएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। ये किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, किसी में बचेगा, जो 0 हो जाएगा। 6x -12x, ठीक, -12 प्लस 8, तो 12 × 8 = 4, यानी कि -4y, 36 16 को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 20। ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 0। कोई दिक्कत, हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये क्या करते हैं, यहाँ से -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, 4 × 4 = 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 × 4 = y, और प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 पहले से है, माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 × में है, इसके बट्टे में जाएगा। अब किसी का 0 के बट्टे में कोई संख्या रहता है, क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, बराबर ये 0 हो गया, ठीक है। यही आपका एक्स वाई में संबंध होगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।